उत्तराखंड में आज बड़ा हादसा हो गया। दोपहर करीब 12 बजे केदारनाथ से 2 किलोमीटर पहले एक हेलीकॉप्टर क्रश हो गया। बताया जा रहा है कि हादसा गरुड़ चट्टी में हुआ। हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का बताया जा रहा है। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 लोग सवार थे जो केदारनाथ से वापस लौट रहे थे। सभी की मौत हो गई। मरने वालों में 4 पुरुष पायलट सहित और 3 महिलाएं शामिल हैं। इन मामले को लेकर सीएम धामी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। दुर्घटना की वजह घना कोहरा बताया जा रहा है। हेलीकॉप्टर में केदारनाथ बेस कैंप से नारायण कोटी गुप्तकाशी के लिए उड़ान भरी थी। मिली जानकारी के मुताबिक आर्यन कंपनी का यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ से श्रद्धालुओं को लेकर वापस लौट रहा था। केदारनाथ से 2 किलोमीटर पहले यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि जिस रास्ते पर यह हादसा हुआ है वो केदारनाथ धाम का पुराना रास्ता था। आपको बता दें कि बारिश और कोहरे के कारण यह हादसा हुआ है। नियामक संस्था नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने हादसे की पुष्टि की है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर ट्वीट कर दुख जताया है। एमके न्यूज की प्रेस रिपोर्ट।